अभी कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी घोल के नाम से। आप सभी ने उसे देखा भी होगा। नेटफ्लिक्स ने इसे एक हॉरर सीरीज कह के प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया, इसके जो बिलबोर्ड्स निकाले गए वो भी एक सुपर नेचुरल हॉरर सीरीज कह के निकाले गए। मगर क्या वाकई में ये सिर्फ एक हॉरर सीरीज थी या इसके अलावा कुछ और भी था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रोज चटोस को और बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। यहाँ पर मैं आपको घोल की स्टोरी लाइन या घोल क्या है इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं, बल्कि इसका एक सब नैरेटिव क्या है जिसे हम बिटवीन द लाइंस कहते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिकल स्टोरी भी है। और ये सब इस सीरीज के पहले एपिसोड के पहले मिनट से शुरू हो जाता है। भूत वाला हॉरर तो बहुत बाद में आता है, मगर जो असली वाला हॉरर है वो पहले मिनट से शुरू हो जाता है कि जो सिचुएशन जो मूवी में दिखाई गई है, जो पूरी दुनिया में हकीकत में हो भी रहा है और जो हमारे मुल्क में भी हो सकता है। ओपनिंग में जो टाइटल कार्ड है वो ही काफी प्रोवोकेटिव है। उसमें बताया जाता है कि सेक्टेरियन वायलेंस या जो आपस में एथनिक वायलेंस होती है उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हो चुका है, और ये जो सारे के सारे इवेंट्स हैं ये नियर फ्यूचर में यानी कि निकट भविष्य में है। जो भी सरकार विरोधी है उसे देश विरोधी या देशद्रोही या गद्दार या टेररिस्ट करार देके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है, पूरा देश मिलिट्री के कब्जे में है, फंडामेंटल राइट्स और आजादी नाम की चीज नहीं है, लिबर्टी नाम की किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, और ये सब हो रहा है मुल्क को बचाने के नाम पर। ऐसा हकीकत में आज की दुनिया में हो रहा है। चाइना में हम इसका एग्जांपल देखते हैं, वो मुल्क अमीर तो है लेकिन वहां पर आजादी नाम की कोई भी चीज नहीं है। जो भी बंदा सरकारी पॉलिसीज का या सरकारी नीतियों का विरोध करता है उसे देशद्रोही या गद्दार करार देके तुरंत मिलिट्री डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है। ऐसा वहां पर सबसे ज्यादा जो एथनिक प्रोसिक्यूशन है वो उइगुर मुसलमानों के साथ होता है। नॉर्थ कोरिया में भी यही सब कुछ होता है कि जो भी जरा भी सरकार विरोधी आवाज भी करता है उसे और उसके पूरे खानदान को उठा के देशद्रोही करार देके और जेल में भेज दिया जाता है 3 पीढ़ियों के लिए। मगर इस घोल में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी सीरीज में कहीं पर भी कंट्री का नाम नहीं है। हालांकि ये शो हिंदी में है, इसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं वो हिंदुस्तानी हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहानी इंडिया की है। दूसरा, जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं वो हैं तो मुस्लिम, मगर कहीं पर भी मुस्लिम टेररिस्ट का वर्ड यूज नहीं किया गया है। ये सिर्फ हम उनके नाम से पता करते हैं कि वो मुस्लिम है, और पूरी सीरीज में यही सब कुछ चलता है। अगर हम अपने देश के माहौल को पिछले कुछ सालों में देखें तो हमें एंटी नेशनल वर्ड कुछ ज्यादा ही सुनने को मिला है, और ये वर्ड हमें घोल में भी पूरी सीरीज में सुनने को मिलता है। हर वो शख्स जो सरकारी गाइडलाइन से जरा सा भी अलग चलता है उसे एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है, और ये सरकारी गाइडलाइन रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुकी है कि आप क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या आप सोचेंगे, क्या आप करेंगे। एक पूरे तरीके से डिक्टेटोरियल रिजीम जिसे हम कहते हैं। कहने को तो ये एक आर्मी क्लैम्प डाउन है, मगर एक फासिस्ट रिजीम से कम नहीं है। मुस्लिम्स की रेशियल प्रोफाइलिंग करी जाती है, उनके लिटरेचर, उनके रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, उसको कॉन्ट्राबैंड यानी कि वर्जित कहकर उसे बैंड कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हिटलर के टाइम में यहूदियों के साथ होता था, कि यानी कि यहूदियों की जो भी सारी चीजें हैं ज्यूस की वो सारी की सारी कॉन्ट्राबैंड डिक्लेयर करके उसको नष्ट कर दिया गया, यहूदीज की रिलीजियस प्रोफाइलिंग करी गई। एक सीन में हम देखते भी हैं कि निदा रहीम के फादर को सिर्फ उनके आई कार्ड पर उनके मुस्लिम नाम होने की वजह से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल के तलाशी देने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती करी जाती है, उनके साथ फिजिकल वायलेंस करी जाती है। इंटेलेक्चुअल्स को पहले पकड़ा जाता है, फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग करी जाती है, तब तक कि वो जब तक सरकार के प्रति अपनी वफादारी को साबित ना करने लगे या फिर वो सरकार की गाइडलाइंस को तोते की तरह रटने ना लगे, और ऐसा ना करने पर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और यही सब हमने इस पूरी सीरीज में देखा भी। एक और चीज जो बहुत सारे व्यूअर्स ने नोट नहीं करी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा वो ये कि जब निदा रहीम के फादर को कार में रोका जाता है और तलाशी के लिए, तो उनसे पूछा जाता है कि कार में कहीं बड़ा तो नहीं, बड़े का माल बड़े का तो नहीं। तो यहाँ पर बड़े का मतलब बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे, जबकि बड़े का मतलब होता है गाय या भैंस का बीफ, और गाय और भैंस के मांस को लेके या उसके गाय काटने को लेके या उसके मांस को बेचने को लेके ये एक इंडिया में बहुत बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है, जहां गाय काटने की खबर किसी बम विस्फोट की खबर से कम खतरनाक नहीं है। निदा रहीम जो कि बहुत ही बेहतरीन कैडेट है और बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर बन सकती है, उसके सिर्फ रिलीजन की वजह से उसे बार बार शक की नजर से देखा जाता है। यानी कि यहां तक कि जब भी वो मेघदूत 31 में उसकी एंट्री होती है तो पहले सेकंड से उसको प्रोफाइल करा जाता है, उसको शक की नजर से देखा जाता है, उसे गद्दार मान लिया जाता है पहले सेकंड से बिना किसी सबूत के। अच्छा, एक और चीज जो है इस सीरीज में है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की अंडरटोन है। एक सीन में आपने देखा होगा जब निदा रहीम के फादर अपनी बेटी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक लाइन वो बोलते हैं, हम देखेंगे। ये जो दरअसल लाइन है हम देखेंगे, ये एक फैज अहमद फैज की लिखी हुई गजल है। फैज अहमद फैज थे तो यूं तो मुस्लिम लेकिन वो कम्युनिस्ट थे। जब निदा रहीम के फादर इस लाइन को बोलते हैं तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि वो इस्लामी फैनेटिक नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, हाँ वो कम्युनिस्ट हैं और वो इस रिजीम के खिलाफ हैं। अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स का भी काफी यूज किया गया है। एक सीन में जब कर्नल सुनील डेकुना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अली सईद को और बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हम डेकुनाज हैं, और वो अपना डेकुनास का हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन देते हैं कि जब गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था तो उन्होंने ही या डेकुनाज ने ही उन्हीं के
कहते हैं बिरादरी या उनकी कास्ट या जो भी उनकी नस्ल के लोगों ने ही फर्जी क्रिश्चियंस को ढूंढ निकाला था। अब बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है, तो जब गोवा में पुर्तगाल का कब्जा हुआ था तो उन्होंने पूरे गोवा को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करी थी, और इसके लिए उन्होंने एक तरीके से मास असैसिनेशंस का या मास एग्जीक्यूशंस का सहारा लिया था, टेरर का सहारा लिया था। यह ठीक वैसा ही था जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, उस टाइम पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसके बारे में कहीं ज़्यादा सुनने पढ़ने को नहीं मिलता है। नहीं तो पुर्तगालियों के जो अत्याचार थे गोवा पर, वो दुनिया के सबसे बर्बर अत्याचारों में माने जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो अभी भी सीक्रेट में हिंदू बने हुए थे। तो डेगुना उसी के बारे में बताता है कि उसने जो फर्जी क्रिश्चियंस थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको एग्जीक्यूट किया था, उसके बिरादरी के लोगों ने। पुर्तगालियों ने गोवा की आबादी को क्रिश्चियन बनाने में इतना जोन किया जितना तो अंग्रेजों ने अपने पूरे 200 साल के राज में पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया। और ये सब जो भी कुछ होता है, ये सब इस सीरीज के पहले एपिसोड में हो जाता है, उसके बाद तो सीरीज के बाकी दोनों एपिसोड अपने नॉर्मल हॉरर ट्रैक पे चलते हैं। मगर इसमें कौन सा हॉरर या डर बड़ा है, घोल का या वो समाज या सोसाइटी का जो इसमें दिखाया है या जो हमारे मुल्क में होना मुमकिन है? आपके इसके बारे में जो भी कमेंट्स हैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।